सर बताए आप डॉक्टर साहब हैं और मैडम ने कलेक्टर साहब ने ट्रेनिंग दी, आज क्या कहना चाहिए? आज यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सारी जानकारी दी गई कि यहाँ पे कैसे पेशेंट्स को देखना है, पेशेंट की देखभाल करनी है, किस चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर सबसे ज़्यादा जो उनको दिक्कत होती है, अकेले रहते हैं यहाँ पे, उस चीज़ से उनको सहायता दी जाए, उनको दवाइयाँ दी जाए, तो उस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम और हमारी पूरी टीम काम करेंगे और अच्छे से अच्छा इलाज देंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमन दीक्षित। डॉक्टर साहब ने कलेक्टर साहब ने ट्रेनिंग दी, क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी कि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और यहाँ पर हमारे कलेक्टर साहब आए, हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे, बहुत अच्छा लगे, बहुत मतलब बहुत खुशी हो रही है मेरे को तो कि यहाँ पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और सर भी यहाँ आए, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? शारदा मारे। बताइए आज ट्रेनिंग दी गई है और कल से ड्यूटी ज्वाइनिंग करना है कोविड सेंटर में, क्या कहना चाहिए? भाई आपकी ट्रेनिंग भी दी गई है यहाँ पे, आपको हाँ, समझाइश भी दी गई है। कलेक्टर सर ने भी ट्रेनिंग दी है और डगावकर सर ने भी बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है बहुत अच्छे से और हमें प्राइवेट से अच्छा यहाँ पे सेवा देनी है जो गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छे से सबको सेवा मिले। कहाँ से आए हैं जी? मैं देवास महाकालती विहार से आई हूँ। क्या नाम है आपका? वर्षा गोरी। कोविड सेंटर में आज समझाइश दी जा रही है, सब डॉक्टरों को बुला के मीटिंग ली जा रही है, क्या है? आज ये कोविड केयर सेंटर हमारा प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स और अन्य सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो आज यहाँ आया है, आज इनका पहला दिन है, इसलिए आज हमने इनको जो है यहाँ की कार्यप्रणाली के बारे में प्रशिक्षण दिया है। उसमें उनको मुख्य रूप से ये समझाया गया है कि जो रूटीन के काम हैं इसके अलावा स्वयं का प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड केयर सेंटर में पेशेंट के साथ कोई अटेंडर नहीं होता है। अटेंडर के नहीं होने से इनको व्यवहार में इस तरह से मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार करें कि उनको ये फीलिंग नहीं हो कि वो अकेले हैं वार्ड के अंदर, और हमेशा जो है वो अच्छा व्यवहार करें और साथ में जो है वो पूरे लगन के साथ स्वयं का ख्याल रखते हुए कोविड केयर सेंटर में कार्य करें। सर अभी कम से कम कितने को ट्रेनिंग दी अभी यहाँ पर? अभी हम लोगों ने करीब करीब जो है वो 30 वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है। आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर एस एस डगावकर, ENT स्पेशलिस्ट, जिला चिकित्सालय देवास। सर बताइए आज आए ट्रेनिंग दी, डॉक्टर साहब ने भी ट्रेनिंग दी और कल सुबह 11 बजे बुलाया, क्या कहना चाहिए? ये जो हम नया कोविड केंद्र खोल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या समय पर बढ़ती जा रही थी और बहुत दिक्कत थी, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, अब हमारे पास यहाँ पे लगभग 250 बेड हैं जिसमें से 100 बेड ऑक्सीजन वाले हैं। ऑक्सीजन के प्लांट्स भी हमारे पास आ गए हैं और उनके भी हमने टेस्टिंग करी है। हमें जो बाहर की ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट नहीं, तो अपने आप में पूर्ण रूप से ये इंडिपेंडेंट सा सिस्टम है और जितने भी कोविड के मरीज हैं यहाँ पर अब उनकी सेवाएं हो सकेंगी। हम कल एक बार ड्राई रन करेंगे, परसों से चालू करेंगे। सर एक चीज़ आपने सबको बोला भी है कि इंदौर उज्जैन वाले आप नई व्यवस्था करें, इसमें क्या कहने जाएंगे सर? जैसे जो बाहर के भी हैं, ये मैंने क्योंकि नए लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं, अपेक्षा ये है कि वो यही कैंपस में रहें जिससे कि 24 घंटे मरीजों की सेवा हो सके। अगर आपने मेरी बातचीत में समय ध्यान दिया होगा तो मैंने ये कहा कि नौकरी ना होकर के सेवा भाव होना चाहिए और लोग जब तक इन भाव से नहीं लगेंगे तब तक हम कोरोना महामारी से जीतने में सफल नहीं हो पाएंगे। अपेक्षा वही है कि जो भी नए बच्चे इस काम में जुड़ रहे हैं पूरे सेवा भाव से जुड़े, ये मान करके जुड़े कि उनको 24 घंटे काम करना है जिससे सभी